करंट मार्केट प्राइस 15 इज माय गेस. ओके देखो देखने स्नैक्स 6-7 निकला. तो LV इधर ऑफ वाइट इधर तो मैं इसको 2.5 दूंगा. ठीक क्या लगता है? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. मेरे को भी अच्छा. क्या हो रहा है? इसे कैब लेके जा रहे क्या? 2 महीने में क्या आ रहा है बताओ? क्या आ रहा है? 3 महीने में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? रक्षा बंधन आ रहा है. ठीक है. ओ मेरे को लगा गेम की बात कर रही है. मैं बीजीएम आ रहा है. गेम की बात कर रही है. What's up guys, welcome back to another video Arrow. आज अपन आए इसे CDC store पे Arrow, एक street पे shopping store है. यहाँ पे मैं अपने दो दोस्तों को लेके आया हूँ. यहाँ पे एक fun challenge करने वाले अपन. ये ब्लॉग समझ लो, वीडियो चैलेंज वीडियो समझ लो. चलते अपने दो दोस्तों के पास. अपने दो creators कौन है? अपनी एक काश्वी, एक अपना भाई अपना विली. दोनों के साथ, दोनों स्ट्रीट वेयर वाले यार. इन्हें साथ या यू आल्सो माय भाई. दोनों भाया है मेरे भाया. तो ये स्नीकर में बहुत टाइम से. यू आर आल्सो इनटू स्नीकर एंड ऑल? नॉट रियली. ठीक है. तो चैलेंज ऐसा करने वाले काशी, मैं इसको इसके लिए लिया. ये ऐसी यार जब शॉपिंग पे जाती ना, शी लाइक समथिंग और वो क्या है क्या नहीं है जानना नहीं, सीधा उठा लेना, बिल करा के निकल जाना. तो चैलेंज ये है यार. तो काशी अपन क्या करने वाले, ही विल पिक 5 स्नीकर्स. ठीक है. 5 स्नीकर्स में वी हैव टू गेस द प्राइस. नियरेस्ट प्राइस जो भी गेस करेगा. For an example, he picks a sneaker जिसका price है 30,000. For example, I pick a water bottle. I say this is 70 rupees and you say this is 90 rupees. Whichever is the closest wins. समझ गया ना? ठीक है, समझ गया. लेकिन आप इसके साथ मिलीभगत करके कुछ नहीं, कहाँ से कर गया? कोई मिलीभगत नहीं. फिर आप लोग planning sharing नहीं करते? कुछ planning नहीं हुआ, कुछ भी planning नहीं हुआ. मेरे को कुछ knowledge नहीं है sneakers के बारे में. मेरे को जो पसंद आता RCB की. कसम RCB की कुछ प्लानिंग नहीं हुई है. बहुत दर्द है चाहे RCB फैंस जितने भी है, कोई नहीं. तो सीन ऐसा है, 5 स्नीकर पिक करेगा. ठीक है. जो भी जीता, जो हारेगा ना, फॉर एग्जांपल तुम ही हारोगे ऑब्वियसली, तो तुम हारोगे तो तुमको मैं जो भी खरीदूंगा वो तुमको दिलाना पड़ेगा. हाँ, काश्वी अगर कुछ जीती तो मैं जो बोले वो दिला दूंगा. मतलब काश्वी को स्नीकर्स के बारे में पता है, वो बहुत टाइम से पहनती भी है. जो भी हो, अगर तुमको जो पसंद आएगा मैं दिला दूंगा. मतलब लाइक मैं जब छोटी थी तब मैं खरीदती थी. बहुत बड़े हो गए अभी आप. बहुत बड़े हो गए. स्नैक्स आपसे तो बड़ी मैं, बट एनीवे आजकल मैं मेरा थोड़ा लाइक मन उठ गया. मेरे पास खाली 3-4 जूते जो मैं डेली वेयर. हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है ना. तुम्हारा मौका अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे बहुत नए स्नीकर्स मिलेंगे. जो खरीदना तुम खरीद सकते. कपड़े भी है इधर, टी शर्ट्स है, कार्गोज है, स्नीकर्स है, पूरा स्ट्रीट वेयर है. हम लोग गेस करेंगे. नर्वसनेस क्यों हो रही है? पहले बोल रहा हूँ. गेस करते थे हम एग्जाम में. कैसा गेस करते थे बताए? आई गॉट 71% इन टर्म. आई गॉट 91% इन टर्म. 75 विदाउट रीडिंग एनीथिंग. लेट्स गो. तो अभी मैं 5 स्नीकर चूज करने वाला हूँ. जितना मुझे लगता है दोनों को शायद आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि पांचों बहुत अलग यूनिक स्नीकर्स है. कुछ कोलैब वाले हैं, कुछ जनरली है. जनरल मतलब हर स्टोर में मिलता है. सो आई एम गोना स्टार्ट माय फर्स्ट स्नीकर. कौन सा लो? भाई कोई भी रैंडम पिक करेगा. चलो सिंस काश्वी इज हियर एंड वी हैव अ गर्ल इन दिस चैलेंज, वी विल पिक अ पिंक वन. ठीक है. हाउ मच डू यू थिंक? काश ने देख लिया, बट नीचे प्राइस टैग नहीं है. नहीं है प्राइस टैग. नहीं है. ठीक है. तो पहले तुम देखना चाह रहे या मैं देखूं? सो दिस इज अ डंक लो. देखो देखो, इसको नॉलेज है, देख रही काश्वी को. हाँ, मेरे को तो लग रहा है, बट व्हाट डू यू थिंक? ओके सो आई हैव दिस पेयर. ओके. अरे एंड मैं उसके आसपास ही गेस लगाऊंगी. ठीक है. आई थिंक दिस इज रीसेल बोल रहा है ना. हां रीसेल. करंट मार्केट प्राइस 15. पांडा डंक का करंट रेंज जब तूने लिया तो महंगा था. इसने फाइनेंस किया हुआ है बेसिकली काशी ने, तो इसको पता है स्टॉक मार्केट कैसे चलता है. स्नीकर्स का भी ना एक स्टॉक मार्केट टाइप होता है. तो डिमांड पे मार्केट अवेलेबिलिटी प्राइस ऊपर नीचे होता है. तो मैं एक ही पूछ सकता हूँ, आज का प्राइस क्या है? आज का डिमांड कैसा? अच्छा है. स्टोर प्राइस क्या है? ये नहीं पूछ सकता. अच्छा है, मतलब रैंडम गेस कर रहा हूं ना. अच्छा यू सेड 15, आई विल गो 18. ओके. एंड यहां पे हरमन जो स्टोर मैनेजर है. व्हाट्स अप? मेरे को तो लग रहा है आई थिंक काश्वी मे बी. क्या प्राइस है? क्या प्राइस है?
ओके सो फर्स्ट वन स्नैक्स विद 18,500 दैट्स क्लोज 1-0 चलो नेक्स्ट 1-0 गाइस चल सिंस काशवी इज हियर एंड काशवी का आउटफिट देख लो मतलब आपको कैमरा पे मे बी पर्पल ना दिखे पर्पल ही है ना हाँ बट सेम आउटफिट ब्लू ब्लैक ये स्नीकर शायद मैंने सिड भाई को पहनते देखा थक भाई के पास है तो तू ये सोच सकता है थक ने कितने में खरीदा होगा तेरे याद थक है थक फिर एक के नीचे की तो बात नहीं है तुमको नहीं करना गैस आप करोगे पहले कर रहे उस समय मैंने किया था पहले ट्रैविस स्कॉट 180 ऐसा कुछ काशवी आई गेस इज 145 है तो कम बोल दिया गैस कर दिया आप चेंज नहीं यार फिर मैंने बहुत ज्यादा कर दिया हाइज आर मच हायर हां मच मोर एक्सपेंसिव या बट 145 मैंने ज़्यादा किस कर लिया यार। At one point my size was available in 150 I think. So by the way कौन से size के according हम जा रहे हैं? Standard. This size this was. General UK 9 ना? अच्छा जो भी size ये है उसके according. Oh. वो तो फिर size के हिसाब से price बढ़ता है। हाँ. तो ये क्या size है? Women size कम होता है। 8 है ठीक है decent. So go under 8. So women size are usually cheaper. Men's are higher up. तो क्या और क्यों hint दे रहा है भाई? तुमको भी दिया ना पिछले में। हाँ तो ठीक है ना भाई तो मैंने ज़्यादा किस कर दिया ना 140 बोला। Up to you. Try hard कर रही है भाई, try hard कर रही है माँ कसम। मंत्र पढ़ रही है भाई। हाँ, try hard कर रही है। अच्छा, I'm a witch. Witch with a W. I wish my brain could scan a QR code. है ना? इतना है नहीं ना मतलब। I'm gonna say is 2. 2? Okay. तो मैंने कम बोला। So, let's go. भाई। QR. वो फोन भी दिखा दो। ग्रेल्स सेक्शन नाउ ग्रेल्स अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो बेसिकली जो सबसे रेयर सबसे लिमिटेड जूते होते हैं मतलब पूरे दुनिया में बहुत कम ये सारे जो जूते हैं सब इसको पता होगा यार मतलब इसको ये सारे जूते उसके एज में बड़े होने के बाद लॉन्च हुए ये सारे जूते बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुए थे इंडिया में इनमें से कोई भी जूता इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था सो आई विल स्टार्ट विथ लुई विटो एयरफोर्स वंस सो दीज आर द लुई विटो एयरफोर्स वंस LV एयरफोर्स वन ऑफ द रेयरेस्ट कोलैब्स ऑफ ऑल टाइम ठीक है करो आप यस Obviously, you said, तुम करोगे कि पहले guess करो। ये इसका ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे मैं हार जाऊँगा भाई। अगर तुमने तुम्हारा रेंज बोल दिया तो आई वोंट पर्टिकुलरली सिलेक्ट दैट रेंज होगी ना मैं मेरा रेंज बोलूंगा जो मेरे दिमाग में अब 10-15 हज़ार का डिफरेंस होता है अभी जो हुआ था अच्छा ठीक है तुम ये वाले स्नीकर पे तुम मैं जा रहा भाई यहाँ से मैं जा रहा दूर जा रहा हूँ बता लो माइक है समथिंग लाइक 6.5 ओके ठीक है सो काशवी का मैं आंसर आ गया है आओ स्नैक्स आ जा तेरी बारी बोल लिया आंसर यस तुम जाओ अच्छा इसने तो बोल ही दिया चेंज मत करना चीटिंग मत करना एलवी लुई विटों भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं है हाँ क्या ढाई का है ये 2.5 चलो नहीं पता 2.5 चल ठीक है 2.5 हाँ 2.5 पक्की बात चलो ठीक है हाँ दिखा दो 8 लाख ना 8 लाख और ये 8 लाख का रीसेल है ये पता है आई टेल यू मेरे एक दोस्त है वो बहुत रेगुलर शॉपर है एलवी पे उसको तक नहीं मिला थक को मिल गया बट मेरी दोस्त है उसके एलवी के परचेजेस देखोगे ना आप रात हो जाएगी देखते देखते तो इसके बाद थक का जाता है उसको हां थक मैंने थक को मतलब दोनों हाथ से सलाम ठोका था मिल गया बोल के हां जीत गए ये सेक्शन में मैं कहां से जीतूंगा भाई मेरे को कहां से यही सेक्शन में यही सेक्शन ऐसा नहीं है ओए विली अनफेयर हो रहा क्या चलो तो अभी 2-1 हो गए चलो ऑलमोस्ट सारे जो अभी तक न्यूट्रल कलर्स ही किए हम लोग ने एक थोड़ा हटके करते एंड सिंस CSK इज एवरीवनस फेवरेट टीम कार्सी लाल कलर रहता अभी गेस कर देता मैं अगर ये रेड होता मैं अभी गेस कर सो दिस इज द ऑफ व्हाइट एयरफोर्स 1
तो इसका प्राइस आप लोग गेस करो। इस बार मैं पहले गेस करूंगा, इस बार पहले मैं बोलूंगा। पक्का तुमने देख लिया शू? कुछ ये कोई कोलाब वाला नहीं है ना? एलवी एलवी है, ऑफ वाइट वर्जिन एब्लो का बेबी। अच्छा ऑफ वाइट वाला कोलाब है। हां नाइकी के साथ। हां मतलब एलवी तो नहीं है ना? एलवी अलग हो गया। यू बोथ आर अलाउड फॉर वन हिंट व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस बट आई कैन गिव एनी हिंट। आई एम लाइक द एक हिंट तो लेते ना यार, मतलब नो तुम मत लो, मैं ले लेता हूं हिंट। नो अरे कौन मैंने कर रहा है? अरे फोन फ्रेंड थोड़ी है। मैं पहले बोलूंगा, तुम पहले नहीं बोल रहे। अगर एलवी मैंने ढाई गेस किया और वो 6-7 निकला तो एलवी इधर ऑफ वाइट इधर तो मैं इसको ढाई दूंगा। ठीक भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। को भी अच्छा। तो स्नैक्स ने अपना गेस दे दिया है। काशवी योर टर्न। ओके सो माय गेस इज 170k। ओके तो काशवी ने गेस किया है 170,000, स्नैक्स ने किया है 2,50,000। हरमन प्लीज टेल अस द करेक्ट प्राइस। सो 190। 190 170 बोला ना? हाँ। तो इट्स टू ऑल। सो अभी हो गया। ओके तो अभी हो गया है टू ऑल। इट्स डाउन टू द डिसाइडर, टाई ब्रेकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चैलेंज जो ये वाला सही गैस करता है, हारने वाला उसको यहाँ पे शॉपिंग स्पॉन्सर करने वाले, मतलब फ्री शॉपिंग जो चाहिए, एंड जो चाहिए वो दूसरे वाले हारने वाले को दिलाना पड़ेगा जीतने वाले को। तो काशवी क्या लगता है? नहीं ऑब्वियसली मतलब अगर आप जीते तो क्या लेने वाले हो? कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बजट बताना। बजट ऐसा कुछ नहीं है, जो मन दिया बोले। ठीक है तो लूंगी मैं, मतलब देखूंगी क्या क्या मेरे साइज में क्या क्या है, बोलूंगी। बहुत टाइम हो गया ना स्नीकर शॉपिंग करके? मैंने बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। स्नीकर्स शॉपिंग नहीं, स्नीकर शॉपिंग। स्नीकर लेके भी बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं लेती सच में बताया ना। मैं भी बोल रहा हूं जीत गया तो स्नीकर लेना, स्नीकर्स नहीं लेना। एक एक कलर में मतलब हाँ आसपास एक एक कलर में एक एक रखा है बहुत सालों से और वही पहनती हूँ। तो मतलब ऐसा मैं होल नहीं करूंगी आपके पॉकेट। मैं कपड़े लूंगा, मेरे को स्नीकर का शौक। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है एक आधा कोई पसंद आएगा तो लूंगा, कपड़े बोल दूंगा। ठीक है तो दोनों कॉन्फिडेंट है कि दोनों को लगता है जीतने वाले, बट अनफॉर्चुनेटली एक ही विनर होगा। सो लेट्स गो फॉर द टाई ब्रेकर शू, ब्रेटो लोज। तो ये जूता मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रेटो लोज। बाय द वे मैंने इसके हाइस पहने, सेम शूज मैंने इसके हाइस पहने। नाउ These are famous because Michael Jordan का Michael Jordan का जो टीम का नाम था, उनका नाम था Chicago Bulls। Okay। तो Chicago तो आपको पता ही already। हाँ। But this is also the Chicago Bulls colorway, red and black। Okay। Right? So मैंने जो पहने, देखो for 80ish, Harman। हाँ जी। देखो for 80ish, Brett Hayes। Please go for 80 or a lakh। Or a lakh, ठीक है? ये जो तूने पहना। Same जूता का highs है ये। इसको time हो गया ना? अच्छा same जूते का highs है। Highs है ये, ठीक है? हाँ। हाँ, 2017 में हुआ था। Okay। 3-2-1 में बोलना price। ठीक है। Ready? आगे तुम्हारे दिमाग में price। तो कमेंट्स में भी आप लोग बता दो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन जीतने वाला है, और इसका प्राइस आप लोग भी गेस कर दो। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी। स्नैक्स रेडी? रेडी। काशी रेडी? रेडी। 3-2-1 20,000। स्नैक्स ने 5,000 का फर्क। चेंज करने क्या? 20,000। काशी ने किया 15,000। हरमन प्लीज स्कैन। एंड द प्राइस इज 22,500। तो ऑब्वियसली स्नैक्स क्या ऐसे कैब लेके जा रहे क्या? स्नीकर इतना पहनते हैं, मेरे को ज्यादा नॉलेज है यार। बट वेल प्लेड काशी, कैसा लग रहा हार के? क्या आपको लगा था हार हो गया के? मुझे ना एक्चुअली स्नैक्स भाई को शॉपिंग करा के देनी थी। हां ओ कितना बड़ा दिल है देख रहे हो भाई, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ नहीं था गाइस, क्या बात है। 2 महीने में क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है? क्या तीन रहा? महीने में क्या क्या आ रहा है? क्या रहा है? रक्षाबंधन आ रहा है। ठीक है। ओ मेरे को लगा मैं बीजेम आ रहा है। गेम की बात कर रही है क्या? रक्षाबंधन पे तो मुझे गिफ्ट मिलना है ना। हाँ हाँ रिटर्न गिफ्ट। याद रखना कि कितने का गिफ्ट दे रही हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, मिल जाएगा रक्षाबंधन पे गिफ्ट। मिठाई का डब्बा मिल जाएगा, मिठाई का डब्बा। और क्या वो 5-star देते ना सेलिब्रेशन का डब्बा? बट तुमको डेयरी मिल्क देंगे बड़ा वाला। Yes, celebration का डब्बा देंगे और मिठाई लाके खिलाएंगे। आओ यार शॉपिंग करते चलो। Let's go.
तो गाइस आउटफिट की शॉपिंग तो डन हो गई थी, बट काशवी को मैं इतना जल्दी इतने कम में जाने तो नहीं दूंगा ऑब्वियसली, तो मैं बोला एक स्नीकर तो लेते, तू भी बोला था एक स्नीकर लेने, तो दिस इज अ पेयर जो मेरे को पसंद आया, क्या बोलते रहे इसको, ग्रे फॉग, थैंक यू सो मच। और कुछ किडनी विडनी बेचू? नहीं नहीं इतना काफी आज के लेता है यार, आउटफिट और ले लिया, एक शू भी ले लिया, हाथ का, हाथ का इसने तीन ब्रेसलेट पहन के भी दो बेचना पड़ा है। ये हमारी शॉप। तो ये स्नीकर लिया एरो, बाकी वो आउटफिट्स लिए जो आपने देखा था, तो दैट्स इट फॉर द शॉपिंग, निकलते अब यहाँ से। सो ये थी हमारी शॉपिंग एरो आज का दिन की, इतनी सारी शॉपिंग कर लिए, मालूम ही नहीं पड़ा कब कितना टाइम चले गया, 3:30 बजे आए थे, 9 बजने आ गए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना, जो आपको वीडियो में जो सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के मारो, नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई चैलेंज आपके दिमाग में तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच विली, थैंक यू सो मच काशी जरूर आने के लिए वीडियो में। स्नैक्स ने ये भी बोला है कि अगर इस वीडियो पे 10 के कमेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा हो गया, तो वो एक बंदे को स्नीकर शॉपिंग लेके आने वाले हैं। सब्सक्राइबर को हाँ ठीक है, अगर 10K कमेंट्स होते हैं तो कोई एक लकी सब्सक्राइबर को एक लेके आऊंगा यहाँ पे, कुछ एक स्नीकर दे देंगे आप लोगों को, एंड लाइक दबा के करो यारो, दैट्स इट फॉर द वीडियो, पीस आउट।